Experience will be invaluable for us, for sure. When you go to this particular area, you already paid the forest fee and its clearance is already there, I have seen. Please don't take any picture of installation, if it is an army installation or police installation or border road installation, don't take any pictures. But otherwise, you are most welcome to take a picture of mountains, wildlife, whatever you say they are there, but those are forbidden. And same goes for the bridges and things to us. Although the peak is just 6,000 meters. मेरा नाम असली नाम है गजेंद्र। मेरी माँ मेरे से बोलती है गज्जू। आज कहाँबाट कति बजे हिँड्नु भयो? 10:30 लोकल ट्रेन 10:30 भयो यहाँ अहिले हामी काठगोदाममा। हजुर ट्रान्सपोर्ट पठाएको छु मित्र।
आज 17 अप्रिल का दिन हो। हामी यो केरे लोअरकेट जाँदैछौँ, सङ्गबाट क्रस गऱ्यौँ र योभन्दा अगाडि आज हामी चाहिँ काठगोदामबाट चाहिँ आएको हो। काठगोदामबाट आउँदाखेरि भीमताल साह्रै राम्रो देखियो। त्यस्तै गरेर माथिका आउँदै गरेका बाटोहरूमा धेरै राम्रो सिनहरू थिए। अहिले हाम्रो साथीहरू अहिले यहाँ फसिराख्नु भएको छ। गाडी आयो, अब चाहिँ गाडी आयो, गाडी निस्क्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो पुग्ने ठाउँमा चाहिँ गाडी जान नसक्ने भएको हुनाले त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन केही भइरहेको रहेछ र अहिले गाडीबाट झिक्ने र आउने काम भइरहेको छ। के भयो यहाँनिर भाइ? के भयो? गाजमा तलको माथि माथि तल घरिघरि कुरो नमिल्दा
यसो डाँडामा एकदम आइपुगेका छौँ, आइपुगिएको छ। यहाँनिर हाम्रो लागि ट्रेनहरू दुई चारवटा खडा भएको रहेछ, खानेकुरा पनि रेडी छ भन्ने सुनिँदैछ। ब्याट्री चार्ज नै हो सक्दा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देख्ते हामी मैले भने नि समक्ष गर्नलाई म नम्बरीसम्म यो मेमोरी चाहिँ रनिङ भयो कि लास्ट एउटा पिन पोइन्ट जस्तै हो, सादी गाउँको हजुर सिरानतिर आइपुगेको छ हजुर। अनि यो चाहिँ यो तलको चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड हो, यो चाहिँ कल्चर जति पनि को घरमा राख्ने टेलिफोनहरूको यो जुन एक्सचेन्जमा लाने सिग्नललाई चाहिँ यो टावरबाट चाहिँ रिसिभ एन्ड ट्रान्समिट। तपाईँले यो बिच भागमा यो भर्टिकल सेतो भाग देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ माइक्रोवेभ अलि बसौँ राम्रो पहाड करते करते आए ऊपर को, तो उसके बाद जैसे अंग्रेजों का राज होने लगा तो वो ऊपर को आते रहे, तो वहाँ पर लड़ाई नहीं जीता तो फिर उसके बाद तो तब जाके वो यहाँ एक मीटिंग करने का एक स्थान बना रखा है, जैसे गोल चबूतरा टाइप का। स्टील भी है ते? स्टील भी है? अभी तो है नहीं है, लेकिन अभी तो उतना वो नहीं, उस टाइम था बोला गोल ऐसे बैठने का चबूतरा मीटिंग, और उनको मैसेज नीचे से मैसेज मिलता था दामी में बता के, तब जाके वो कहें आगे तो वो ही नीचे से, तो यहाँ से वो छिपने के लिए वहाँ गेहूँ ना वो आटा बनाते हैं, घराट बोलते हैं, घट्टा, हाँ घट्टा, तो वो धार में था उनका, जबकि कहते हैं कि लोग सभी लोगों का घराट जो है गधेरे में होता है, लेकिन राजा चंद्र गोरखा ने जो है एक ऊँचे धार या रिच ऐसे जगह पर बना दिया। ऐसा कहते थे पुराने लोग, वही हमने सुना है। चंद्र गोरखा कहाँ से आया हो आप जानते हो? ये तो पता नहीं कहाँ से आए हो, अल्मोड़ा मेन तो पहले अल्मोड़ा था बोला किला, तो अल्मोड़ा से ही ऊपर फिर यहाँ पर राज किया, फिर यहाँ से राज करने के बाद वो लोग जो संबंधित है पहले नेपाल में ही होगा। चंद्र गोरखा कितने साल के ये आप जानते हो? अब वो तो मुझे मालूम नहीं है कितना साल किया, लेकिन ओके आपका गांव कौन है? आप हरकोट कौन देखा सकता है इधर से? हरकोट वो हरकोट में सब वो भोटिया है, भोटिया और शिल्पी शिल्पकार। छोटा कोट कहते हैं यहाँ, वो यहाँ से सीधे ऐसे टाउन जाके और उधर सीधे रास्ता है अंदर को, और यहाँ छोटे कोट के अंदर छिपने का और रहने का महल बताते हैं यहाँ, और